आगे रखा था और इस बार लांगा बाउंड्री की तरफ खेला गया शॉट, 4 रन। छक्के भी मारेंगे तो भी नहीं। ही बची है मैच में, 2 गेंदों का खेल बाकी है, 23 रन और चाहिए। 2 गेंदे 23 रन, और इस बार ये केकेआर ने ये मैच जीत लिया है और सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कठुआ नाइट राइडर्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। चैंपियनशिप 2022-23 का ये पहला क्वार्टर फाइनल खेला गया अमीगो स्पोर्ट्स क्लब पानीपत और केकेआर मढ़ीन के बीच में। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करके 140 रन बनाए 20 ओवर में। सर्वश्रेष्ठ रहे तरुण सरीन जिन्होंने 54 रन बनाए 58 गेंदों का सामना किया, और उनका साथ दिया दीक्षांत कुंडल ने। दीक्षांत कुंडल ने बेहतरीन अटैक दिखाया हमें शुरुआती ओवर्स में, केवल 11 गेंदों में 25 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल। एक अच्छा मोमेंटम दिया दीक्षांत ने इस इनिंग्स को, और उसके जवाब में अमीगो स्पोर्ट्स क्लब केवल 114 रन बना के ऑल आउट हो गई 20 ओवर में। तो इस तरह पहली बार कठुआ नाइट राइडर्स ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि स्वागत किया जाए कि कठुआ की लोकल टीम में जो है सेमीफाइनल में पहुंची है। स्पॉन्सर हैं श्री अमित शर्मा जी जो कि प्रधानमंत्री जन योजना मेडिकल कठुआ के ओनर हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लगाते हुए सबसे पहले हमारे मैन ऑफ द मैच को बुलाना चाहूंगा, आज के मैन ऑफ द मैच कप्तान तरुण सरीन। तरुण को ऑनर करेंगे ऑनरेबल एसएसपी साहब और हमारे आज के मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर अमित शर्मा जी। तरुण आपसे बात करना चाहेंगे, आप पहले भी साबी 11 की तरफ से आ चुके हैं यहाँ पे, तो ग्राउंड का एक आपको आइडिया है कुछ सरफेस के अंदर और कुछ जो हमारी जो अरेंजमेंट्स वगैरह रहती हैं, क्या उसमें हमने कुछ अगर चेंजेस किए हैं या कुछ और हमें कुछ करने की जरूरत हो? थोड़ा सा विकेट पे ध्यान देना है, विकेट पहले से बेटर है पिछले साल से, बट ये है कि विकेट थोड़ा और इंप्रूव करने की जरूरत है। थैंक यू। खेला जाएगा साबी 11 होशियारपुर और विकी 11 पठानकोट के बीच में, बेहतरीन होने वाला है ये मैच। तो दर्शकों से निवेदन की प्लीज आए और इस ग्राउंड में अपनी मौजूदगी दें।